देखिए, इस संबंध में शासन से भी निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसमें जांच करके आख्या दी जाए। तो इस प्रकरण में क्योंकि हमारा एक कमांडेंट की इन्वॉल्वमेंट थी, इसलिए हमने प्रयागराज परिक्षेत्र के डीआईजी होमगार्ड संतोष कुमार को जांच सौंपी थी। उन्होंने प्रारंभिक जांच करके जो आरोप लगाए गए थे उस पर मटेरियल एविडेंस इकट्ठा करके उन्होंने भेजा है, और इस आधार पे हमने शासन को विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। विभागीय कार्रवाई गंभीर आरोपों में, इसलिए यह भी संस्तुति की है कि इनको निलंबित करते हुए, श्री मनीष दुबे को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी जाए। साथ में कुछ प्रकरण ऐसे थे जिसमें कि होमगार्ड विभाग कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो पुलिस से संबंधित प्रकरण है। ऐसा चैट में आया है, या ऐसा हमारे एक महिला होमगार्ड ने सेक्सुअल एडवांसमेंट की शिकायत की है, जिसको कि प्रथम दृष्टया इसमें सही पाए गए हैं, तो उसके लिए पुलिस कार्रवाई भी किए जाने की आवश्यकता, उसकी भी रिकमेंडेशन की गई। जो रिकमेंडेशन के बाद अब जो विभागीय कार्रवाई होगी, क्या उस दरमियान या उसको कंप्लीट होने के बाद निलंबन की कार्रवाई करी जाएगी, या अभी से प्रिलिमिनरी जांच के बाद ही उनको निलंबन का नोटिस वगैरह सर्व किया जाएगा? देखिए, ये शासन का निर्णय होता है, हम केवल संस्तुति करते हैं। तो विभागीय कार्रवाई जब भी होती है, गंभीर आरोपों में विभागीय कार्रवाई होती है, तो ये कहा ही जाता है कि फिर किसी को गंभीर आरोपों में जब विभागीय कार्रवाई होती है तो सस्पेंशन के साथ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाती है। शासन इसमें जो निर्णय लेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी किसके द्वारा शिकायत पत्र दिए जिसके आधार पर कार्रवाई हुई, क्या कोई पुराना मामला भी था जिसके आधार पर ये कार्रवाई की बात हुई है? देखिए, आरोप जो लगाए गए हैं उसमें जितने भी जिन बिंदुओं पर आरोप लगाए गए हैं, उन सारे बिंदुवार आख्या प्रस्तुत की गई है, और उसमें जितने भी जो भी प्रकरण आए हैं जहां पर कि प्रथम दृष्टया पाया गया कि इसमें जांच की आवश्यकता है, विस्तृत जांच की आवश्यकता है, उसी अनुसार विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई। आलोक मौर्य द्वारा जो शिकायत करी गई है, क्या उसमें कोई ऐसे फैक्ट्स या कोई ऐसे मटेरियल भी दिए गए हैं जिनको ग्राउंड बनाया गया है? क्योंकि उन्होंने धमकी की भी बात कही थी, जान से मारने का एक उन्होंने आरोप भी लगाया था, क्या उससे रिलेटेड या कुछ चैट्स वगैरह की कॉपी? देखिए, चैट्स की कॉपी किया गया है, और चैट को भी जो जांच अधिकारी है उसने व्यक्तिगत रूप से स्वयं देखा भी है, तो जो उसी आधार पे ही कार्रवाई की संस्तुति की गई है। आपको मैं जरूर कहना चाहूँगा कि चैट कितना वास्तविक है, कितना नहीं वास्तविक है, इसका आकलन होमगार्ड मुख्यालय या होमगार्ड विभाग